कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। तो भाइयों और बहनों, आप लोग चाहते थे कि मैं एक टैक्स ऑडिट पे वीडियो बना दूं। ऑल दो ये सब्जेक्ट उतना मेरे दिल के करीब नहीं है, बट ऑल दो थ्योरी है और थ्योरी मुझे पसंद है, तो दूर भी नहीं है मेरे दिल से। और मैं इसको बहुत सिंपल करके, मैंने 5 out of 5 स्कोर किया था इसका जब क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इसका क्वेश्चन जो आया था नवंबर 20 के अटैम्प्ट में, वो MCQ के रूप में आया था। तो इस चैप्टर को छोड़ के मत जाना, ये उतना मुश्किल है नहीं। ICA का मटेरियल देखते हो तो 105 पेज में कवर है ये। मैंने जो अभी आपके साथ मटेरियल शेयर किया है, 21 पेज में कवर है ये। लेकिन आई बेट आप एक भी चीज़ मिस करके नहीं जाओगे और आप 5 out of 5 लेके आ सकते हो, ये बात पक्की है। ICA ने ज़्यादा नहीं दिया तो इस बुक में कम भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है, ICA ने बहुत ज़्यादा मतलब खींच खींच के दे रखा है। ऑब्वियसली उनको, वो बुक जब भी बनाते हैं तो वो इस हिसाब से बनाते हैं कि कभी भी कोई बंदा अगर खुद से पढ़ रहा हो तो उसके लिए ईजी रहे। तो इस बुक में, ये पंकज सर की बुक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, इस बुक का पूरा 21 पेजेस का क्रेडिट उनको जाता है। ही इज़ लेजेंड और वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत ही उम्दा टीचर हैं। मैं कहीं पर भी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं कर रहा। मैं बस अपने हिसाब से अपना नज़रिया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस चैप्टर को पढ़ने का। दैट्स इट। इस नोट के साथ स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे, जैसा कि मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने में विश्वास नहीं रखता हूँ पढ़ाते टाइम। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से ऑडिट ऑफ अंडर फिस्कल लॉज। सबसे पहले सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता दूँ। एक तो क्या होता है ना, जब भी ऑडिट होता है तो ऑडिट ना, टैक्स ऑडिट, इसको प्यार से हम टैक्स ऑडिट कहते हैं। अपन ने बहुत सुना है, जिन्होंने ऑडिट डोमेन में काम किया आर्टिकलशिप में, उनके लिए तो ये चैप्टर हलवा है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने टैक्स ऑडिट बहुत सारी कंपनीज के किए थे, तो मैंने फॉर्म नंबर 3CA CD और 3CB CD बहुत ज़्यादा बार लाइव देखा हुआ था, उस पर काम किया हुआ था। तो इसलिए भी इस चैप्टर को पढ़ने में मुझे बड़ा मज़ा आया था और वो मज़ा मैं आपको भी दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है? ये राहुल गांधी वाला मज़ा नहीं है। चलो ठीक है, मैं आपके साथ क्या मीम्स वगैरह शेयर करूँ। चलो टैक्स ऑडिट के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सेक्शन नंबर ए जो है हमारा, इसमें जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ऑडिट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है? टैक्स ऑडिट जिसको हम प्यार से बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक था वो ये लिखा हुआ है कि पब्लिक ट्रस्ट का ऑडिट किस तरीके से होगा। पब्लिक ट्रस्ट का मतलब होता है ट्रस्ट। अब ट्रस्ट के मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दूँ, तो जैसे कि IGMT हो गया, इंदिरा गांधी, ठीक है, उसके मेमोरियल ट्रस्ट हो गया। उसके अलावा बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं यार, बहुत सारे हैं जिसका मैंने ऑडिट ऑडिट भी किए हुए हैं, वैसे भी है, जिसको हम भारत स्काउट्स गाइड कहते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हैं जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है? इसके लिए आपने अपने आप वो वाले ट्रस्ट याद कर लो जिनको, जो आपकी फर्म में काम होगा, ठीक है? तो उसको ऑडिट, उनका ऑडिट कब होता है? अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट नहीं भी पढ़ा तो भी आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ट्रस्ट का ऑडिट तब होता है जब उनकी इनकम जो होती है बेसिक मार्जिन लिमिट से, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होती है, विदाउट प्रोवाइडिंग द एग्जम्पशन ऑफ सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11। अगर इसकी एग्जम्पशन प्रोवाइड करे बिना, जो ट्रस्ट को एक एग्जम्पशन अवेलेबल होती है उस एग्जम्पशन को प्रोवाइड करे बिना, अगर उनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जाती है, 2,50,000 से ज़्यादा जाती है, विदाउट गिविंग द एग्जम्पशन इफेक्ट, तो उनको ट्रस्ट को ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये हमारे काम का है नहीं? बिल्कुल काम का है बेटा। देखो ये देखा, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट सेक्शन नंबर 12 है। इनकम जो होती है ट्रस्ट की, वो अगर सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 12, अगर इनकी एग्जम्पशन देने से पहले अगर उससे ऊपर जाती है तो आपको क्या करना होता है, ट्रस्ट को ऑडिट करवाना पड़ता है, ठीक है? और ट्रस्ट की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, जितनी इंडिविजुअल के लिए होती है, 2.5 लाख रुपए की, 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, ठीक है? इसके बाद अब आपको इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होगा अगर आप ट्रस्ट का ऑडिट करने जाते हो। तो इसके अंदर 3 पॉइंट्स है, ये आपको एक बार पेपर में ये आपका 5 मार्क्स का पूछा गया था। प्रिलिमिनरी क्या होता है, कंप्लायंस और सब्सटेंटिव चेकिंग क्या होता है, और ऑडिट रिपोर्ट लास्ट में इशू करना होता है आपको, ठीक है? देखो प्रिलिमिनरी में ना आपको एज इट इज़ याद रखने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम पहला ट्रस्ट का ऑडिट करने जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या मांगते हैं, सबसे पहले उनसे ट्रस्ट डीड मांगते हैं, ठीक है, कि भाई अपना ट्रस्ट डीड दिखाओ, आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखाओ। ट्रस्ट डीड में ये लिखा होता है कि किस पर्पस के लिए आपका ट्रस्ट जो है रजिस्टर्ड है। आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाओ, जो फॉर्म नंबर 12 वगैरह होता है, ठीक है? उसके बाद रेजोल्यूशन आपने पास करा होगा। क्या होता है ना, ट्रस्ट रेजोल्यूशन पास करता है कि हम इस पूरे साल में ये वाले काम करेंगे, इस काम के लिए हम पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो रेजोल्यूशन देखते हैं, ट्रायल बैलेंस देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रिलिमिनरी चेक करते हैं। उसके बाद जब सब्सटेंटिव चेकिंग अगर हमें करनी है तो हम ऑब्वियसली क्या देखेंगे, वाउचिंग करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, एक्सपेंसेस को चेक करेंगे। अब एक्सपेंसेस को इस तरीके से चेक करेंगे कि जिस पर्पस के लिए रजिस्ट्रेशन है ट्रस्ट का, उसी के लिए खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा, और जो खर्चे हैं वो ऑथराइज्ड है या नहीं है। उस जो पर्पस था हमारा, जिसके लिए इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था कि हम ये सारा काम करेंगे इस साल, फॉर एग्जाम्पल हम बिल्डिंग बनवाएंगे गरीबों के लिए,
गरीबों को जो है खाना खिलाएंगे, नीडी पीपल्स को कपड़े देंगे, तो ये सारी चीज़ें वो पर्पस के लिए पूरा हो या नहीं है, और फाइनेंशियल इफेक्ट स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली एज पर द जो एप्लीकेबल FRF है उसके हिसाब से बनाया गया है या नहीं बनाया गया, तो सब्सटेंटिव चेकिंग इस तरीके से करेंगे। उसके बाद लास्ट आता है, उसके बाद क्या होगा, ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा। ट्रस्ट की ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म नंबर 10B में जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, फॉर्म नंबर 10B में जाती है, और हमारा फॉर्म नंबर 10B के साथ एनेक्स्चर भी जाता है जो हमारा अटैच होता है। इतना आपको ध्यान नहीं रखना, आपको इतना ध्यान रखना है कि ट्रस्ट का जो होता है फॉर्म नंबर 10B होता है, जो ऑडिट रिपोर्ट जाती है उसके साथ एनेक्स्चर जाते हैं, एनेक्स्चर्स में डिटेल्स जो होती है वो ट्रस्टीज प्रोवाइड करते हैं जो हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टीज होते हैं। तो तीन चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहला पॉइंट जो आपको पब्लिक ट्रस्ट में याद रखना है वो ये याद रखना है कि ट्रस्ट का ऑडिट तब होता है जब उसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर हो विदाउट गिविंग द इफेक्ट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10, 11 और 12। उसके बाद सेकंड अब आप बोलोगे सर ट्रस्ट को तो 10 का मिलता ही नहीं है, मिलता है बेटा, ट्रस्ट को 10 का भी मिलता है। जब आप DT पढ़ोगे तो आपको पता होगा सारे सेक्शन नंबर 10 का फायदा ट्रस्ट को नहीं मिलता है, सेक्शन नंबर 10(1) जो एग्रीकल्चर होता है उसका मिलता है। तो 10, 11, 12 इन तीनों का एग्जेम्पशन का बेनिफिट दिए बिना अगर उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर की इनकम है तो उसको ऑडिट करवाना है। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ऑडिट करते टाइम तीन चीज़ें होती हैं, या तो प्रिलिमिनरी चीज़ें होती है, प्रिलिमिनरी का मतलब होता है स्टार्टिंग, प्राइमरी ठीक है, दूसरा आता है सब्सटेंटिव चेकिंग, और तीसरा आता है ऑडिट रिपोर्ट। तो जब प्रिलिमिनरी चेक करोगे तो क्या क्या चेक करोगे, रजिस्ट्रेशन चेक करोगे ट्रस्ट का, ठीक है, ट्रस्ट डीड चेक करोगे, रेजोल्यूशन चेक करोगे, ट्रायल बैलेंस चेक करोगे, बैलेंस शीट चेक करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करोगे, खत्म हो गई बात। उसके बाद सब्सटेंटिव चेकिंग करते टाइम क्या क्या करोगे, वाउचिंग करोगे, वेरिफिकेशन करोगे, ऑथराइजेशन देखोगे, पर्पस देखोगे, और बैलेंस शीट वगैरह को फाइनलाइज करोगे, एंड लास्ट में क्या करोगे, ऑडिट रिपोर्ट इशू करोगे जो फॉर्म नंबर 10B में होता है, और उसका नेक्स्ट कौन फिल करके देगा, ट्रस्टीज देगा। बताओ, एक पेज मैंने आपको पढ़ा भी दिया और याद भी करवा दिया साथ में, अब मुझे तो लगता है इससे ज़्यादा आपको कुछ और करने की जरूरत है। इसके बाद अब हमारे पास अगला पॉइंट आता है, ये तो होता है ट्रस्ट का, पहला पार्ट हमारा सेक्शन ए का खत्म होता है। अगला पॉइंट हमारे पास जो आता है वो ये आता है कि ऑडिट होता कब है नॉर्मल एंटिटीज़ का। तो सेक्शन नंबर 44AB होता है जो हमारा सेक्शन होता है, जो आपने इंटर में भी पढ़ा होगा और फाइनल में भी DT में आपने पढ़ा होगा, अगर बोथ ग्रुप दे रहे होगे तो, और अगर आपका सेकंड ग्रुप क्लियर होगा तो, ठीक है, या फिर आपको जनरली नॉलेज तो होगी। सेक्शन नंबर 44AB हमसे ये कहता है कि जो ऑडिट होना चाहिए वो तब होता है एंटिटीज़ का, वैसे इसके अंदर अमेंडमेंट भी है उसके बारे में मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल नॉर्मली ये पढ़ लो कि असेसी अगर बिजनेस कर रहा है और उसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ रुपए से ऊपर है प्रीवियस ईयर में, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है, कुछ भी कह लो, उसमें अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो उसको ऑडिट करवाना है। अगर कोई प्रोफेशन में, प्रोफेशन बोले तो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, कंपनी सेक्रेटरीज हो गए, या फिर आर्किटेक्ट्स हो गए, अगर 50 लाख से ऊपर की ग्रॉस रिसीट्स है तो उनको ऑडिट करवाना होगा। उसके अलावा अगर कोई बंदा जो होता है एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल के लिए या सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब जो ये हमारे 44 प्रिजम्प्टिव वाले होते हैं उन सब में एंगेज है और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा की इनकम है, अगर वो अपनी इनकम लोअर डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब क्या होता है ना, जब सेक्शन नंबर 44 की सीरीज आप पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कि आपको मिनिमम इतनी इनकम तो डिक्लेयर करनी है, तो इनके लिए क्या बोला गया कि अगर एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल में कोई एंगेज है या सिविल कंस्ट्रक्शन में एंगेज है और वो अपनी इनकम जो है जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे कम बता रहा है और लेकिन वो बेसिक, तो उस केस में उसको क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई बंदा जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास प्रिजम्प्टिव इनकम दिखाने के लिए 44ADA होता है, ठीक है, 44ADA होता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो भी अगर डिक्लेयर करें इनकम लोअर देन द लिमिट लेकिन वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा दिखा रहे हैं तो उनको ऑडिट करवाना है। अब इसके अंदर ना क्या होता है, मैं आपको बता दूं, इनकी जो 44ADA है ना उसकी कंडीशन ये लिखी हुई है कि अगर कोई बंदा प्रोफेशनल है तो उसको अपनी इनकम 50 लाख रुपए तक होनी चाहिए तभी वो 44ADA ले सकता है, प्रिजम्प्टिव ले सकता है, वरना नहीं ले सकता, और उसको अपनी इनकम का 50% कम से कम दिखाना पड़ेगा, जो हमारा प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। तो अगर कोई बंदा इससे कम दिखा रहा है, ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम दिखा रहा है और वो जितना कम दिखा रहा है वो कम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है तो उस केस में उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद 44AD आता है, 44AD क्या आता है, ये बिजनेस वालों के लिए होता है, बिजनेस वालों के लिए प्रिजम्प्टिव होता है, ठीक है। तो अगर क्या होता है, अगर ये बिजनेस वाले प्रिजम्प्टिव दिखाना चाहते हैं 44AD में तो उस केस में अगर ये लोग जो है अमाउंट कम दिखा रहे हैं जितनी रिक्वायरमेंट है और वो कम अमाउंट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है तो उनको भी ऑडिट करवाना होगा। तो दैट्स इट, 44AB सिंपल सी चीज़ कहता है कि अगर किसी बंदे का बिजनेस है उसका अगर टर्नओवर ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ से ऊपर है तो उसको ऑडिट करवाना होगा। दूसरी बात कहता है कि अगर कोई प्रोफेशनल है उसका ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर है तो ऑडिट करवाना होगा। अगर कोई बंदा एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल या एक्सट्रैक्शन और सिविल कंस्ट्रक्शन में लगा पड़ा है और वो अपनी इनकम जो प्रिजम्प्टिव है उससे कम दिखा रहा है तो उसको टैक्स ऑडिट करवाना होगा। उसके अलावा अगर कोई बंदा प्रोफेशनल है और उसने 44ADA को चुना है, ठीक है, तो उस केस में अगर वो इनकम अपनी 44ADA की लिमिट से कम दिखा रहा है प्लस वो इनकम जो वो शो कर रहा है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो उस केस में उसको ऑडिट करवाना होगा। उसके बाद अगर कोई बिजनेसमैन 44AD चूज कर रहा है और वो इनकम शो कर रहा है 44AD की लिमिट से कम, ठीक है, बट वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा, तो उसको
टैक्स ऑडिट करवाना होगा, दैट्स इट। अब आपको एक चीज़ इसके अंदर बता दूं, जो आप जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे तो आपको अच्छे से बताया जाएगा, जब 44AD आप लेते हो तो 44AD आपको तभी मिलता है जब आपका टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए किसी भी साल में, तब जाके आपको 44AD मिलता है। जैसे 44AD में 50 लाख की लिमिट है, 44AD में 2 करोड़ की लिमिट है। और अगर आपने एक बार 44AD छोड़ दिया, मतलब नहीं लिया किसी साल में, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस प्रीवियस ईयर में लिया 44AD लेकिन करंट ईयर में आप नहीं लेना चाहते, तो उस केस में क्या होगा, आपको 5 साल तक फिर 44AD नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको ये सारी चीज़ें ना मैं आपको बताऊं, तो आपका जब अच्छे से बहुत अच्छे से जितना बेसिक था मैंने आपको बता दिया जितना ऑडिट में रिक्वायर्ड है, बहुत अच्छे से आपको ये तब पता चलेगा जब आप टैक्स ऑडिट टैक्स का वो पढ़ते हो पूरा का पूरा, जब आप चैप्टर पढ़ते हो डायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, मेरे ख्याल से जितना ऑडिट के लिए रिक्वायरमेंट है उतना मैंने आपको बता दिया। उसके बाद टर्नओवर निकालने के लिए कैलकुलेट करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत बार कई बार पूछा जाता है, तो ये बात है मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं, पेपर में आपको दे देगा कि टर्नओवर की डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा, कुछ आपको प्लस माइनस करना होगा, लास्ट में टर्नओवर आ जाएगा और फिर आपको बताना होगा कि एज पर द अबव 44AB आपका जो है ऑडिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा, 44AB में एक छोटी सी अमेंडमेंट है इस वाले पॉइंट पे, कहता है यहां पर क्या लिखा है, 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर तभी ऑडिट करवाना है, लेकिन यहां पर ना ये लिमिट 5 करोड़ की हो जाएगी, ये लिमिट 5 करोड़ की हो जाएगी उन लोगों के लिए, बहुत ध्यान से सुनना, ये 1 करोड़ की लिमिट अभी भी है, ये लिमिट 5 करोड़ रुपए की हो जाएगी उन लोगों के लिए जिनका कैश में पेमेंट या रिसीट्स दोनों ही 5% से ज़्यादा नहीं है, 5% ऑफ टोटल रिसीट से या टोटल पेमेंट से ज़्यादा नहीं है। अगर 5% से ज़्यादा कैश में रिसीव करते हो, तो 5% से ज़्यादा कैश में पे करते हो टोटल पेमेंट के या टोटल रिसीट्स के, तो उस केस में आपके लिए लिमिट जो है 1 करोड़ की ही रहेगी, लेकिन अगर 5% से कम करते हो तो आपके लिए 5 करोड़ की लिमिट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको टर्नओवर डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या ध्यान रखना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहला, डिस्काउंट जो अलाउड होता है वो आपको क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट जो होगा वो आपका ट्रेड डिस्काउंट आपका माइनस होगा, कैश डिस्काउंट जो होता है वो आपका माइनस नहीं होता है। ठीक है, आपका याद रखना कैश डिस्काउंट उसमें से माइनस नहीं होता है। उसके बाद टर्नओवर जो डिस्काउंट होता है वो आपका माइनस होता है। कमीशन ऑन सेल्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसी में बच्चे फंसते हैं, जो कमीशन ऑन सेल्स होता है वो आपका माइनस नहीं होता है, वो आपका टर्नओवर में से माइनस नहीं होगा। क्या क्या माइनस होगा टर्नओवर में से, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा क्योंकि जल्दी पैसा मिल गया है। ठीक है, टर्नओवर डिस्काउंट जो होता है वो माइनस हो जाएगा, क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन होंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद कमीशन ऑन सेल्स जो होता है वो माइनस नहीं होता है, ये बात याद रखना, बार बार बोलो कमीशन ऑन सेल्स माइनस नहीं होता है। उसके अलावा अगर गुड्स आपके रिटर्न हो गए हैं वो हमारा टर्नओवर से माइनस हो जाएगा। उसके बाद सेल्स, ये सारी सेल्स प्रोसीड्स जो होती है, प्रॉपर्टी अगर बेची है तो वो टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी, लेकिन अगर आपका काम ही प्रॉपर्टी डीलरिंग का है तो फिर उस केस में वो आप, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हो तो उस केस में फिर आपके टर्नओवर में वो इंक्लूड होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने शेयर्स बेचे हैं, सिक्योरिटीज़ बेची है, तो आपके टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन अगर आपका काम ही इन चीज़ों का है तो आपके टर्नओवर में इंक्लूड होगा। तो आपको याद ये रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट हमारा जो होगा वो माइनस होगा, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, टर्नओवर डिस्काउंट माइनस होगा, स्पेशल रिबेट सच एज कमीशन ऑन सेल्स माइनस नहीं होगा, गुड्स अगर रिटर्न हो जाते हैं भले ही वो प्रीवियस ईयर के भी क्यों ना हो, भले ही वो प्रीवियस ईयर के भी क्यों ना हो, इस साल से माइनस हो जाएंगे। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अगर गुड्स रिटर्न हो रहे हैं तो वो इस साल के हैं तो माइनस होंगे ही, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर्स के भी लिखे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका 18-19 चल रहा है और अगर 17-18 के भी गुड रिटर्न रिटर्न्स आए हैं तो 18-19 के टर्नओवर में से वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, सेल प्रोसीड ऑफ प्रॉपर्टी आपका ऐड नहीं होगा टर्नओवर में, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हो तो ऐड होगा। सेल सिक्योरिटीज़ का, सिक्योरिटीज़ की सेल, डिबेंचर्स की सेल्स आपके टर्नओवर में ऐड नहीं होगी, लेकिन अगर आपका काम ही इस चीज़ का है तो ऐड होगी। ठीक है, इसके बाद लायबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट, यही है कि आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है टैक्स ऑडिट की 44AB में। ठीक है, अगर मतलब अगर आप 44AB में फॉल नहीं करते तो आपको अलग से टैक्स ऑडिट कराने की, तो फिर आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, उसके हिसाब से। और NRI के लिए भी इंपॉर्टेंट बात ये रखना है याद कि NRI के लिए भी जो टैक्स ऑडिट है वो इंपॉर्टेंट है, उनको करवाना होगा। और जिनका काम, जो सेक्शन नंबर 44AB हमने जो ऊपर पढ़ा, ठीक है, वो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, जो शिपिंग बिजनेस वाले होते हैं और ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट वाले होते हैं, जो अपनी प्रिवेंटिव प्रिजम्प्टिव इनकम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जो शिपिंग वाले होते हैं और जो एयरक्राफ्ट वाले होते हैं, जो अपनी प्रिजम्प्टिव इनकम दिखाते हैं, उसके ऊपर 44AB एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद स्पेसिफाइड डेट्स क्या होती है रिपोर्ट को फाइल करने की, तो मैं आपको बता दूं 31 जुलाई है, ये आपका बढ़ चुका है, डेट चेंज हो गई है, 30 सितंबर से अक्टूबर हो गया है, जुलाई से भी चेंज हो गया है, और ये भी नवंबर से दिसंबर हो गया, एक महीने से सारी डेट्स आगे बढ़ गई हैं, ये पहले हुआ करती थी, अभी के लिए 1 मंथ आगे हो गई है डेट। ठीक है, 1 मंथ आगे हो गई है। जिसकी ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट जाती है उनकी 31 दिसंबर हो गई है, ऑडिट जिनका होता था उनके लिए रिपोर्ट 31 अक्टूबर हो गई है, और जुलाई वालों के लिए 30 सितंबर हो गई है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कौन सा फॉर्म होता है जो हमारा जाता है ऑडिट रिपोर्ट में, तो मैं आपको बता दूं दो टाइप के फॉर्म होते हैं, एक 3CACD होता है और एक 3CBCD होता है।
ठीक है। अब मैं आपको बताऊं फॉर्म नंबर 3 CACD और CBCD कब जाता है। CACD तब जाता है जब आपकी आपका इनकम टैक्स के अलावा, इनकम टैक्स में तो ऑडिट होता ही है, साथ में आपका जो है कंपनी लॉ में ऑडिट हो रहा है या आपका किसी और रिस्पेक्टिव एक्ट में ऑडिट हो रहा है, तो आपको फॉर्म नंबर 3 CA और CD देना होता है। लेकिन अगर आपका ऑडिट किसी में भी नहीं हो रहा है, मतलब किसी और में हो ही नहीं रहा है, तो फिर उस केस में आपको 3 CB और 3 CD देना होता है। मतलब 3 CD तो कॉमन है, वो तो देना ही देना है क्योंकि असली फॉर्म तो वही है। 3 CA और CB बदल जाता है क्योंकि CA CB में क्या होता है ना, CA में ये होता है कि उसमें आपको डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ती है कि दूसरी जगह इसका ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी इशूड है, इसमें ऑडिट हुआ था, ये इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट से इन्होंने ऑडिट किया था। और 3 CB में जो है था कुछ और डिटेल्स होती हैं, ठीक है। तो कॉमन क्या है, 3 CD तो कॉमन है ही, बस आपको ये याद रखना है कि 3 CA जब जाएगा और 3 CD कब जाएगा, बी 3 CB कब जाएगा। 3 CA आपका तब जाता है जब आपका दूसरे एक्ट्स के अकॉर्डिंग भी ऑडिट होता हो इनकम टैक्स के अलावा, और 3 CB आपका तब जाता है जब आपका अदर्स केसेस हो, मतलब इस ऑडिट ना होता हो किसी और एक्ट में, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा और इससे ज़्यादा मैं टाइम लूंगा नहीं क्योंकि रिवीजन है। चलो इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है सेक्शन नंबर 145, जिसमें सिंपल सी चीज बताई जाती है मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दो टाइप के मेथड ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, कैश मेथड और मर्केंटाइल मेथड, हम सबको पता है। एक ICDS का मैटर आता है कि ICDS जिसको हम इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स कहते हैं, इसका एक क्लॉज भी आएगा जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना क्योंकि अभी जो है ये स्टैंड बाय पे है, तो हमें उतना ज्यादा इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा ऐसा कुछ होता है, ठीक है, जो फॉर्म में भी आपको दिखेगा 3CD फॉर्म में। तो ICDS जो होता है हमारे यहाँ पर दिखता है, ठीक है। ICDS के बारे में मैं आपको बता दूं, ICDS अगर आपने सही से फॉलो नहीं किए होंगे, अगर आपने ICDS सही से फॉलो नहीं किए फिलहाल, ये अभी स्टे पे है, होल्ड पे है, ठीक है। ICDS अगर आपने सही से फॉलो नहीं किए, या कैश मेथड या मर्केंटाइल मेथड को सही से फॉलो नहीं किया मेथड ऑफ अकाउंटिंग को, तो आपका बैच जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से हो सकता है। ये जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको सर आपके पढ़ाएंगे, असेसिंग ऑफिसर आपका बैच जजमेंट असेसमेंट करता है। कुछ नहीं होता बैच जजमेंट असेसमेंट, बहुत सिंपल सी चीज़ होती है जहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर खुद से आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके आपको नोटिस भेज देता है डिमांड का, ठीक है। ICDS कितने प्रकार के होते हैं, ICDS नंबर 1 अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में पूछता है, 2 इन्वेंट्रीज के बारे में पूछता है, 3 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, 4 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, 5 फिक्स्ड एसेट, 6 आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट का इफेक्ट, 7 आपका गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में पूछता है, 8 आपका सिक्योरिटीज के बारे में, 9 आपका बोरिंग कॉस्ट, और 10 आपका प्रोविजन कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टीजेंट एसेट्स। इसको याद करने की कोशिश मत करना, आ गया तो आपकी किस्मत, आज तक तो पूछा नहीं ICAI ने इतने सालों में, ठीक है। दैट्स इट, यहाँ पर हमारा बेसिक्स खत्म होता है, फॉर्म स्टार्ट करेंगे अब इसके साथ ही हम।